कोरोना के कारण लगभग डेढ़ साल तक बच्चे स्कूल नहीं गए, उन्होंने घर में ही रहकर पढ़ाई की। वहीं लॉकडाउन के कारण बच्चे घरों में कैद हो गए, इस कारण बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ा है। मध्य प्रदेश के स्कूल 20 सितंबर से खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी स्कूलों में 30% विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। सरकारी स्कूलों में तो फिर भी पहली से 12वीं तक की कक्षाओं में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों में अभी भी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। अभिभावकों ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित उमंग किशोर हेल्पलाइन 14425 में इन दिनों निजी स्कूलों के अभिभावकों के कॉल बच्चों के स्कूल भेजने को लेकर आ रहे हैं। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर भी कॉल आ रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले भी आ रहे हैं। इसके अलावा किशोर किशोरी अन्य समस्याएं भी हेल्पलाइन पर शेयर कर रहे हैं। अब तक 3 माह में हेल्पलाइन में 12,112 कॉल आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5,614 कॉल एकेडमिक और 1,312 कॉल करियर से संबंधित आए हैं। इसके अलावा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से उपजे तनाव के 1,117 कॉल आए हैं। काउंसलर बच्चों और अभिभावकों की काउंसलिंग कर उन्हें हर समस्या का समाधान बता रहे हैं। उमंग किशोर हेल्पलाइन पर अभिभावकों के बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर फोन आ रहे हैं। इसमें अभिभावक एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि लंबे समय बाद जब स्कूल खुले हैं तो बच्चों को स्कूल भेजना सही है। एक पिता ने हेल्पलाइन में फोन किया कि उनका बेटा 10वीं कक्षा में है, असमंजस में हूँ कि बच्चे को स्कूल भेजे या नहीं। वहीं एक माँ का कॉल आया कि उनकी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है, उसके स्कूल से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसमें बेटी को स्कूल भेजने या नहीं भेजने को लेकर सहमति मांगी गई है। मेरी दुविधा यह है कि बेटी को स्कूल भेजे कि नहीं। काउंसलर ने अभिभावकों की बातों को ध्यान से सुनकर उन्हें सलाह दी कि अगर आपका बच्चा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे तो कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है।